यूपी विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव ने अपने निर्धारित सीट बदलने की मांग की है। शिवपाल यादव चाहते हैं कि अभी उनको जो सीट मिली है उसकी जगह उनको दूसरी जगह सीट दी जाए। इस बार यूपी विधानसभा में सभी विधायकों के लिए सीट निर्धारित की गई। दरअसल शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, ऐसे में उनको समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच सीट अलॉट की गई है। शिवपाल यादव की सीट के साथ सपा के विधायक मनोज पारस और अब्दुल्ला आजम की सीट है। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में कहा है कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनको मौजूदा समय में जो सीट मिली है उसकी जगह दूसरी सीट दी जाए। शिवपाल की सीट नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से अलग रो में है, पर अखिलेश यादव से थोड़ी पीछे है। शिवपाल वहाँ से दूसरी जगह सीट चाहते हैं। मौजूदा समय में शिवपाल सिंह यादव की अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से दूरियों की चर्चा न सिर्फ आम है, बल्कि जिस तरह से आजम खान के मुद्दों पर हाल ही में शिवपाल सिंह यादव सक्रिय हुए और आजम खान को लेने सीतापुर जेल पहुंच गए, उससे भी शिवपाल यादव के तेवर पर सबकी नज़र है। ऐसे में अब वह अपनी निर्धारित सीट को बदलना चाहते हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने करीब 12 विधायकों की सीट बदलने के लिए लिखा है, जिसमें स्वामी ओमवेद, समरपाल सिंह, विजमा यादव और गीता शास्त्री भी शामिल हैं। कहा गया है कि जो सीट उन लोगों को अलॉट की गई है उसमें बैठने में इनको सहूलियत नहीं हो रही, इसलिए इनको सीट बदलनी चाहिए, इसलिए इनकी सीट बदली जाए। खास बात यह है कि इस बार विधानसभा में विधायकों को जो सीट अलॉट की गई है उसमें लगा टैबलेट सिर्फ उस विधायक के लॉगिन और पासवर्ड से खुलेगा, इसीलिए किसी की सीट बदलने पर वो टैबलेट भी बदलकर उस विधायक की नई सीट पर लगाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।